जी हाँ, लाफिंग बुद्धा के बारे में तो आप सभी जरूर सुने होंगे, लेकिन आपने कई बार लोगों के घर या ऑफिस में भी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को देखा होगा। चीन में लाफिंग बुद्धा को बहुत ज्यादा माना जाता है। इनकी मूर्ति को अपने घर में रखने से कई तरह के शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाफिंग बुद्धा की कई तरीके की मूर्तियां मिलती हैं, जिनका अलग अलग महत्व है, अलग अलग अर्थ है। ऐसे में आज हम अपने इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि किस परिस्थिति के लिए किस तरीके की लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को अपने घर में स्थापित करना चाहिए। ये सारी तमाम जानकारी आज अपने इस खास रिपोर्ट में आपको देंगे। यहाँ तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों हाथ ऊपर वाली लाफिंग बुद्धा की मूर्ति की। जो लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, वो अपने घर में या ऑफिस में या दुकान में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं, और ऐसी मूर्ति जिसमें लाफिंग बुद्धा दोनों हाथ ऊपर किए हुए हो। ऐसी मूर्ति स्थापित करने से धन की कमी से छुटकारा मिलता है। जी हाँ, कंधे पर धन की पोटली लिए हुए लाफिंग बुद्धा। जी हाँ, इस तरह की मूर्ति स्थापित करने से बंद किस्मत के भी सारे दरवाजे खुल जाते हैं, धन के द्वार खुल जाते हैं, धन कमाने के नए अवसर आप सभी को मिलने लग जाते हैं। तो ऐसी मूर्ति स्थापित वो लोग कर सकते हैं जिन्हें रोजगार की, काम की ज्यादा जरूरत है। तो वहीं आगे बात करते हैं लेटे हुए लाफिंग बुद्धा की। यदि आप बार बार दुर्भाग्य का शिकार हो रहे हैं, तो लाफिंग बुद्धा की ऐसी मूर्ति रख दें। इससे आपको प्रत्येक काम में सफलता मिलेगी, साथ ही आपका भाग्य भी प्रबल होना शुरू हो जाएगा। बच्चों संग बैठे लाफिंग बुद्धा संतान प्राप्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने बेडरूम में पति पत्नी इस तरीके की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। जी हाँ, जो लाख प्रयासों के बाद भी संतान सुख को नहीं इंजॉय कर पा रहे हैं, ऐसे पति पत्नी अपने बेडरूम में लाफिंग बुद्धा को बच्चों संग वाली मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद आपका बच्चा काफी ज्यादा सेहतमंद होगा और देखने में काफी ज्यादा सुंदर भी होगा। जो यहाँ हाथ में थैला लिए हुए लाफिंग बुद्धा, ऐसी मूर्तियों को अपने ऑफिस या दुकान के मुख्य द्वार पर स्थापित करना चाहिए। इससे व्यापार बढ़ता है और समृद्धि भी आती है। जी हाँ, आगे बात करते हैं ड्रैगन पर सवार हुए लाफिंग बुद्धा की। ऐसी मूर्तियाँ घर में स्थापित करने से बुरी नजर से बचाव होता है। इससे कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। जी हाँ, हाथ में बर्तन लिए हुए लाफिंग बुद्धा, लाफिंग बुद्धा की ऐसी मूर्ति घर में स्थापित करने से जीवन में सफलता आती है और कामों में कभी भी किसी भी तरीके की कोई भी निराशा नहीं मिलती है। जी आपको आगे बता दें, नाव में सवार लाफिंग बुद्धा की मूर्ति क्या कहती है। इस मूर्ति को अपने ऑफिस या दुकान में रखने से शुभता आती है, साथ ही तरक्की के द्वार खुलते हैं, नए नए अवसर आप सभी को मिलते हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से इंदु की रिपोर्ट।